What is up guys, welcome back to another video, another special video. First of all, आप सबको बसंत पंचमी की बहुत शुभकामनाएं. आज बसंत पंचमी है. This is 5th of Feb और हम जा रहे हैं कात्यायनी देवी मंदिर दर्शन करने. मैं इस वीडियो में जो है कोशिश करूंगा आपको मंदिर दिखाऊं और बगल से ही जो पास से ही जो है सरस्वती माँ का मंदिर है, एक दिन ही खुलता है वो हर साल, तो वो भी हम दर्शन कराने की आपको कोशिश करते हैं इस ब्लॉग में. तो चलो पूरी वीडियो ज़रूर देखें. वैसे तो मैं पहले कात्यायनी मंदिर दर्शन करने जा चुका हूँ, दोबारा आया हूँ इसके साथ दर्शन कर ले. ये आएगा दर्शन करने और हम फिर अंदर जाएंगे साथ में, क्योंकि अंदर कात्यायनी मंदिर में अंदर रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है. वहाँ पे तो शायद थोड़ा बहुत कर लूँ. तो शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग होने वाला, ऐसा कुछ बड़ा नहीं होने वाला, पर आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली. कात्यायनी शक्ति पीठ है वो हमारे 9 शक्ति पीठों में से एक है, 9 देवियों में से एक है. ये मंदिर है पीछे वृंदावन में हमारे कात्यायनी माँ का, और यहीं पे जो है पास में इस प्रांगण में ही जो है सरस्वती माँ का मंदिर है, जो कि साल में एक बार खुलता है बसंत पंचमी वाले दिन. तो बिल्कुल ये रहा सामने से, और हम जाने वाले दर्शन कराने वाले हैं आपको. इस पूरे प्रांगण में एक्चुअली 2 से 3 मंदिर हैं. एक सरस्वती माँ का मंदिर है, कात्यायनी मंदिर है, ये भोले बाबा का मंदिर है, और एक आदि शंकराचार्य जी उनका ही मंदिर है. अब मेरा मेन पर्पस यहाँ आने का था कात्यायनी के दर्शन करना. बहुत दिन से दर्शन किए नहीं थे, बसंत पंचमी का दिन है तो सरस्वती माँ का मंदिर भी खुला है. तो चलो हम फिर आगे आपको लेके चलते हैं. तो ये जो है आज देखिए इस तरफ राइट में मंदिर के आदि शंकराचार्य जी महाराज का मंदिर है, और इस तरफ जो है ना ये यहाँ पे भगवान शंकर जी का एक मंदिर है. यहाँ पे काफ़ी सारे गायें, गौशाला भी है पीछे एक्चुअली उधर उस तरफ. सो यहाँ पे जो है खेत वेत भी है पीछे की इस तरफ. अब मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ वैसे तो आपको बताऊँ तो यहाँ से जो है ना रास्ता जाने का, देखिए इस तरफ कुछ अगर मैं वाइड एंगल में कर दूँ, यहाँ से हम जाने वाले पहले को ना बहुत कुछ अलग था, अब तो बिल्कुल ही चेंज हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया. रोड्स वगैरह हैं जो है, गार्डन भी बना दिया बच्चों के लिए. चलो आगे चलते हैं, दिखाता हूँ आपको. बदल गया ना सब कुछ, हमारी यहाँ पे शिशु मंदिर की रेस होती थी हमारी तो भगवती. मेरा मैं अभी जब पहले आया तो मैंने देखा कि मैंने यार ये तो बिल्कुल बदल गया. यहाँ पूरा एक्चुअली ना पूरा खेत था यहाँ पे इस तरफ. अब देखो यहाँ से रास्ता वास्ता बना दिया बैठने का, पूरा हाँ पूरा मतलब साफ सफाई कर दिया, पूरा गार्डन जैसा भी प्लांटेशन मतलब घास लगा रखी है उन्होंने पूरे में इस तरफ. वहाँ पीछे तो अभी भी खेत हैं और इधर भी गार्डन वाले. यहाँ पे हम क्रिकेट खेलने आते थे कात्यायनी एक्चुअली इधर की तरफ, यहाँ मैं अभी आपको बता रहा था ना शंकराचार्य जी महाराज का मंदिर है वहाँ पे, उधर हम ऐसे सामने ऐसे क्रिकेट खेलते थे, बॉल अंदर चली जाती दीवार पर. तो यहाँ से जो है सब कुछ अभी साफ कर दिया है, क्लियर आउट कर दिया, और अब आगे जो है बढ़िया बना दिया रोड वगैरह. रोड पहले भी थी पर अब दोबारा से चीज़ें मैं देख रहा हूँ, बहुत साल हो गए होंगे मुझे, क्योंकि लास्ट नवरात्रि में मैं था नहीं, यहाँ नहीं था, लखनऊ था तो आ नहीं पाया था दर्शन करने. पर अब तो देख के मुझे बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी कुछ बदल चुका है. साथ में देव भी जुड़ चुका है, वो भी अभी गोपेश्वर महाराज दर्शन करके आया है. कुछ दिनों बाद जो शिवरात्रि भी आने वाली है 12 तारीख की, तो वो भी तैयारी जो है शुरू हो चुकी है वृंदावन में. हमारे यहाँ क्या है ना, अब त्यौहारों का पूरा टाइम है, एक महीने फिर होली आने वाली है, तो ब्रज में एक महीने पहले से होली का सब कुछ एक्चुअली सब कुछ चीज़ स्टार्ट हो जाती है. तो बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें अब 1-1.5 महीने ब्रज में होने वाली है. हम जो है ना अब आ गए मंदिर प्रांगण में. अब मैं जैसे बता रहा था साल में एक बार खुलता है मंदिर, तो देखिए काफ़ी कुछ सजावट वजावट है यहाँ पे, वेलकम भी लिख रखा है स्वागतम, और कुछ इस तरह से जो है अगर वाइड में कर दूँ तो आपको देखने को मिलेगा. धूप निकल आई अच्छी, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है. मंदिर को सजा के रखते हैं हमेशा, हर साल ये ऐसा होता है कि यहाँ सजावट होती है, पर इस बार तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है देखने में. तो वैसे तो मैं पहले दर्शन करके आ चुका हूँ, ये लोग जाने वाले हैं आगे से आपको पास से दिखा देंगे.
इस प्रांगण में जो हर साल ऐसा होता है, बहुत सजावट होती है, बहुत सारे लोग आते हैं। सुबह आया था इतनी भीड़ नहीं थी, अब जैसे जैसे लेट होती जाएगी, शाम होती जाएगी, और भी लोग आते जाएंगे, तो दर्शन करके आपको दर्शन करा देते हैं देवी माँ के। चलो आप मैं लेके चलता हूँ सर, घुमाने आपको। यहाँ से फिर हम जो है भगवान शिव के मंदिर भी चलते हैं। सुंदर दर्शन जो है हो चुके हैं, लड़कों ने भी आप करा दिए आगे पास से भी। तो होप करता हूँ ये वाली वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हुई, और जो है बसंत पंचमी की पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। आगे जो है देवी माँ सब पर कृपा बनाए रखें, इसी कामना से इस वीडियो को हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आगे वीडियो आपको काफ़ी सीरीज़ मिलने वाली है, ट्रैवल सीरीज। अभी तो आपने जो है मोटर व्लॉग्स वगैरह रिव्यूज़ वगैरह देखे थे, सो ट्रैवल पे भी अब दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो उस सीरीज़ पे आपको जल्दी जल्दी मिलते हैं, नेक्स्ट वीक प्रोबेबली, नेक्स्ट सैटरडे। सो टेक केयर, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट मंथ।